हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज का ये वीडियो कल्कि 2898 एडी से रिलेटेड होने वाला है। दोस्तों मैंने कभी भी कल्कि का अपडेट दिया है तो मैंने आपको बोला है ये मूवी देखने से पहले आपको इस मूवी का एनिमेटेड वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये मूवी समझ में आएगा। ऐसा इस मूवी के मेकर्स ने बोला है। इसके 5 एपिसोड आने वाले हैं। एपिसोड 1 आ चुका है जिसमें आपको दिखाया जाएगा BNV यानी कि बुज्जी एंड भैरवा का इंट्रो कराया जाएगा। बुज्जी एंड भैरवा कैसे आपस में मिलते हैं, कैसे उनका बॉन्डिंग होता है, कैसे वो काम करते हैं, और खास करके इस मूवी में एनिमेटेड वीडियो जो दिखाया गया वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। और जो VFX कमाल का यूज किया गया वो मतलब तारीफ योग्य है। और जो प्रभास का रोल दिया गया है वो मतलब आउटस्टैंडिंग है। प्रभास को हुबहू उतार दिया गया है उनके चेहरे में एनिमेटेड वीडियो के साथ। और इसमें दिखाया गया है कि आपको आदिपुरुष अगली नहीं देखनी पड़ेगी। आपका जो डाउट होगा मन में कि इतना ज़्यादा मूवी टाइम ले रही है, पोस्टपोन हो रही है बार बार, और ये मतलब कर क्या रही है, एक और आदिपुरुष ना बना दे, ऐसा आपके मन में चिंता होगा। लेकिन हाँ, ये वीडियो देखकर एनिमेटेड वीडियो आपके मन के जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक और आदिपुरुष नहीं, उससे बाहुबली से ये अच्छी होने वाली है ये मूवी, मैं इतना कह सकता हूँ। और एक बात और, बहुत सारी डायरेक्टर का जॉब खतरे में आ जाएगा। वो मूवी बनाने के लिए कई बार सोचेंगे कि अब मतलब इससे अच्छा लेवल का मूवी बनाए, कल्कि से अच्छा लेवल का मूवी बनाए, ऐसा सोचेंगे। SS राजामौली जो कि बाहुबली बनाए हैं, शिवकुमार, मतलब उन सभी को अब सोचने का जो नज़रिया है वो और ज़्यादा बनाना पड़ेगा। राजामौली साहब ने जो बाहुबली 2 बनाया था और RR बनाया था वो माइंड ब्लोइंग मूवी था, और इसको रिकॉर्ड ये मूवी जरूर तोड़ेगी। दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर नाग हसन के बारे में एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा इस मूवी में काम किया है। जो VFX से काम हो सकता था उन्होंने उसे रियल उतारा है, क्योंकि उन्हें डर था कि एक और आदिपुरुष ना बन जाए। जो आपने कार देखा था, जो भैरवा इंट्रो कर रहा था अपने कार को, उसमें वो जो कार दिखाया गया था वो रियल कार है। उन्होंने आनंद महिंद्रा से अपना मतलब एक ट्वीट किया था और फिर उसके बाद बात करके कंफर्म किया था कि मैं इंडिया को एक फ्यूचरिस्टिक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो आप मदद कर सकते हैं। तो आनंद महिंद्रा ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया, और वो जो गाड़ी था वो आनंद महिंद्रा ने बनाया है, फुल टू मेड इन इंडिया वो गाड़ी है, और वो गाड़ी रियल है, वो कोई फेक गाड़ी नहीं है, जो कि VFX से हो सकता था। लेकिन उन्होंने सोचा कि जितना रियल काम किया जाए उतना अच्छा होगा, तो 90% इस मूवी में काम रियल है, VFX का काम थोड़ा सा ही है। तो सोच लीजिए कि ये मूवी कैसी होने वाली है। सो मुझे और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे इसका VFX देखकर, मूवी का सॉरी एनिमेटेड वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि मूवी कैसी होने वाली है। और इसका 5-4 सीरीज और आने वाला है ये ऐसा बोला जा रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हाँ, इस मूवी का जो रिलीजिंग डेट है वो 27 जून को है, और उससे पहले जून के फर्स्ट वीक में इसका मूवी का ट्रेलर आ सकता है। ऐसा अनुमान नहीं, ऐसा मतलब पूरा चांस है। सो दोस्तों आपको ये एनिमेटेड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इतना मिलेंगे किसी अच्छा नोटिस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।